बताएं आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजी है, आजम न हो क्या गलत है? अरे आप और करो, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, उन 33% लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनसे पूछना चाहता हूं मैं, आपने वोट हिंदुस्तानी के इस रूप में वाले दरिंदे को दिया है, आपने वोट हिंदुस्तान की मां बहनों की आंखों को लुटाने वाले लुटेरों को दिया है, हिंदुस्तान के बस में रहने वाले मुसलमानों के अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उन दरिंदों को, उन हुल्लों को, उन देश और इस मुल्क के दुश्मनों को दिया, क्या ये बात है? आज सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को अक्सरियत मिल गई, ठीक है अक्सरियत मिली, लेकिन कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया? 33% लोगों ने इस्तेमाल किया, 33.something, मतलब हिंदुस्तान के 63% नरेंद्र मोदी के ख्याल को कबूल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मुस्तरद किया, नामंजूर किया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, कैसे कह सकते हैं 33% वोट लेकर यह अखिलाफ खड़ा है, 63% लोग इनको वोट नहीं दिए और फिर 2500 मुसलमान अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसका नतीजा आज हमारा वोट तकदीर हुआ, एक तरफ नहीं गया, सेक्युलरिज्म के लिए नहीं गया, बीजेपी के शिकस्त के लिए नहीं गया। अरे इन बातों का गौर करो, जज्बाती तकारी है तो आपने बात सुनी मेरी, जज्बाती तकारी लफारी और तेज सरवार का हरी है करने का गौरव वैसी माहिर जरूर है, अगर अभी से हो तो आज भारत और अपने विरोध के सैलाब में आपको बहा सकता हो, नारे गुजर सकता हो, लोगों का बेहोश कर सकता हो, लेकिन मेरा मकसद आपको अपने पिताब के सैलाब के अल्फाज में बहाने नहीं, बल्कि अपने पितावत के सैलाब और अपने दिल के जुनून और अपने इस दिमाग और दिल की तरफ के जरिए आपके सोए हुए ईमान को बेदार करना चाहता हूं, आपके इंतजार को इतिहास में तब्दील करना चाहता हूं, और 2500 मुसलमान हो के वजूद था बीजेपी को एहसास देना चाहता हूं कि हाँ हम है, जिंदा है, बेदार है और ईमान के साथ है, और जब उठेंगे तो दोबारा सफाया कर देंगे। हालात की नदाकत को महसूस करो, हालात की नदाकत को महसूस करो, तुम कौन सी तरह के इंतजार में हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज तक 50,000 की तादाद हुए, क्या ये काफी नहीं थे बेदार होने के लिए? क्या ये नाकाफी है? 23,000 हमको तबाह बर्बाद किया गया, क्या यह काफी नहीं? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, क्या यह भी काफी नहीं? सौ सीओ में गोलियां चली, क्या यह भी काफी नहीं? तारा के नाम के हजारों बच्चों को जेल में डाल दिया गया, क्या यह भी काफी नहीं? बंबई जगह, क्या वो काफी नहीं? गुजरात जगह, क्या वो काफी नहीं? अहमदाबाद जगह, क्या वो काफी नहीं? किस तरह
तबाही के इंतजार में खुदारा अपने सबों में से हाथ को पैदा करो, अपने वजूद का एहसास दिलाओ, बताओ इस कौन को कि हाँ हम है, जिंदा है, हिंदुस्तान से मैं, हिंदुस्तान के मेरे प्यारे मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हम हैदराबाद वालों ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है, ऐ मेरे हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, उठ जाओ और तुम भी उस तरीके से अपने वजूद का एहसास। मुझे बेहद खुशी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप सबका ममनून, आप सबका मशकूर, घरों में बैठ कर देखने वाली मेरी परवरिशी माँ और बहनों का एहसान मंद हो, ममनून हो, मशकूर हो, बुजुर्गों का, नौजवानों का। लेकिन मैं आपके दिल से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या सात आरक्षी असेंबली से कामयाबी से क्या आप 100% खुश हैं? हाँ, आपका आपकी जो आवाज है, आपकी जो तड़प है, आपकी जो सोच है, आपकी जो फिक्र है, वही सोच, वही तड़प, वही आवाज मेरी भी है। सात के बजाय कम अज कम नौ मिला जाते तो मैं हर सड़क में रहता, खुशी में रहता, आप भी खुश होते, आप भी खुशियां मनाते, तहसील मनाते और हमारी खुशी 100% होती। लेकिन ये क्यों नहीं हो सका, ये क्यों नहीं हो सका? क्या है, क्या आपने इससे और किया है? हर वो आवाज जो मजलिस के खिलाफ उठी, हर वो कदम जो मजलिस के खिलाफ बढ़ा, हर वो वर्ष जो मजलिस के खिलाफ सिया हुआ, वो जिम्मेदार है कि आज मजलिस 7 MLA को मुंतखब करवा सकी, 9-10 को मुंतखब कर नहीं करवा सकी। मैं देखता रहा, बोलता रहा, एक वक्त है फसल के बोने का, एक वक्त है फसल के काटने का। अरे हमारी तवानाई साफ हो गई, अपने घर को बचा लो, हम मजबूत हो गए अपने घर की हिफाजत में, हमारा वक्त खम गया अपने साथी को जिताने में। और मुनाफिकीन दुश्मनान इस्लाम कामयाब हो गए आपके दिलों को इसके आप में मुबतला करने में। अगर वो इंतजाम ना होता, वो इसके आप की कैफियत ना होती, वो इंतजाम ना होता, तो शायद आज मंदिर इसके साथ नहीं कम अज कम 10 आरती है संबंधी कोई कसम हुए होते और इस प्लेटफॉर्म पर 7 के बजाय 10 मंदिर के मेरे बैठे होते और वक्त के चीफ मिनिस्टर हमारी इजाजत के बगैर इस रियासत की चीफ मिनिस्टरशिप के कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन हम इस चीज से महरूम हो गए, खुदारा और खुदारा और करो मेरे प्यारे भाइयों, अरे हमने क्या नहीं किया? 5 वर्ष में आवाम के दरमियान में रहे, अपना खून तक दिया, जेलों लेकिन हमने आपके व्यवहार को, आपके ताकत को और आपके गुरूर के सर को झुकने नहीं दिया। लेकिन मेरे भाई बताओ, जूबली हिल से कितनी छोटी अक्सरियत से नाकाम हुए, अपर पेट से कितनी कम वोटों से नाकाम हुए, निजामाबाद से कितने कम से शिकस्त हुई, राजेंद्र नगर से क्या हुआ? और इन सबको छोड़कर और भी हल्कों से हम जीत सकते हैं। ओपन में हमारा काम उम्मीदवार में शानदार नहीं रखना, हम आप नहीं ले सकते, हम नहीं जा सकते।
अक्टूबर में पहला कदम है महाराष्ट्र के सरोली इंतखाबात। ये आपका घर है, सिर्फ मेरा घर नहीं है। आप अपने घर की हिफाजत कीजिए। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों के घर की हिफाजत करने के लिए जाऊंगा। अरे आज तरफ है मजलिस की, ख्वाहिश है आपके इतिहास की आवाज को सुनने की। आज मजलिस की कामयाबी के लिए मुझे सबसे ज्यादा फोन अगर कहीं पर आए तो गुजरात के उन मुसीबत लगा परेशान हाल मुसलमानों की तरह कि हर कौन करने वाले ही पूछता था अकबर भाई आपका क्या हुआ, अकबर भाई का क्या हुआ। हमको कोई फिक्र नहीं मोदी आए तो, हमको कोई फिक्र नहीं बीजेपी आ जाए तो, हमको फिक्र है कि हमारे भाई जीत जाए तो वो जीत जाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपके जीत के जरिए हमको इंसाफ मिल जाएगा, हमको कीमत मिल जाएगी, हमको नया आदम मिल जाएगा, एक नया इरादा मिल जाएगा। अरे मेरे भाई खुदा का वार करो, वार करो मेरे भाई। बहुत नाजुक वक्त है लोगों के लिए, हमारे बहुत सी बातें, लेकिन रियासत तेलंगाना बन रहा है तो इस नए बनते हुए रियासत में मुसलमानों के हक के लिए जिद करना है। एससी एससी का प्लान इस तरीके से माइनॉरिटी का प्लान को लाना, मंजूर करवाना और लेजिस्लेशन को पास करवाना, कानून बनाना, ये हमारे लिए चैलेंज हम साथ आती है संबंधित हुए। इंशाला हम इस चैलेंज को कबूल करेंगे और हर परिणाम कोशिश करेंगे कि एससी एससी का प्लान की तरह माइनॉरिटी का प्लान भी तेलंगाना की रियासत में हो। तालीम के मैदान में, मार्शी मैदान में, प्राइमरी स्कूल के मैदान में, बेघरों को घर देने के मैदान में, बेरोजगारों को रोजगार देने में, अग्रेसिव फाइनेंस कॉरपोरेशन को ज्यादा से ज्यादा फंड दिलाने के लिए, बैंक से ज्यादा कर्जदार की गिरफ्तारी के लिए, आपकी जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए, इसके लिए हम वो काम कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। इस मजमे में मेरी आंखें उन चेहरों को भी देख रही है जो तेलंगाना के नहीं आंध्रा और रायलसीमा के थे, और चेहरों की मायूसी को भी मैं देख रहा हूं कि नए बनते हुए आंध्रा की असेंबली में मजलिस नहीं है, मजलिस की आवाज नहीं है। आप परेशान ना हो मेरे आंध्रा और रायलसीमा के मुसलमानों, अब हमारी आवाज नहीं है। इंशाल्लाह ताला 2019 में आंध्रा और रायलसीमा की असेंबली में मजलिस की आवाज होगी और मजलिस के नुमाइंदे होंगे जो आंध्रा और रायलसीमा के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। अभी भी आंध्रा और रायलसीमा के मुसलमानों से कहूंगा कि वो परेशान ना हो, परेशान ना हो कि बाबू मोदी से मिल गया है, परेशान ना हो कि तेलुगु देशम जो आंध्रा रायलसीमा में अख्तियार मिल गया, दिल्ली में मोदी का राज होना, आंध्रा रायलसीमा का चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू है, तो याद रखो बाबू साहब तुम जिस चीफ मिनिस्टर के असेंबली में बैठोगे वो असेंबली अभी भी हैदराबाद में। अगर आंध्रा की असेंबली में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून, कोई भी आवाज उठेगी तो
निकल कर जाना होता है, निकलना है तो हमको सलाम करके निकलना पड़ेगा। हम अंदर नहीं है तो क्या हुआ, अंदर वालों को ना अंदर जाने देंगे ना अंदर से बाहर। सीमा के मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम परेशान न हो, मजलिस है, मजलिस जब महाराष्ट्र जा रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दिल्ली और दूसरे इलाकों में जा रही है, तो अपनी रियासत में रहने वाले आंध्रा के मुसलमानों की फिक्र नहीं करेगी। तेलंगाना के असेंबली में उठेगी, जो ही हमारा मुकाबला आंध्रा और जुआ की असेंबली में भी हमारे नुमाइंदगी के शक्ल में होगा। और उसके साथ साथ मैं आप तमाम यही बात कहूंगा कि खुदा अपने इतिहास को मजबूत करो। मैं यहां खड़े होकर बहुत लोगों को बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कहना नहीं चाहता। उन लोगों को जरूर याद दिलाऊं जो कह रहे थे कि सोना को बैंड बाजा हो जा रही है, किसका बाजा बज गया, किसका बैंड हो गया। और ये भी जरूर कहूंगा कि कुरान के कुर्बत का मजाक उड़ाने वालों के हश्र को आपने देख लिया क्या हुआ। बाजारों में, चौराहों पर, रोड़ों पर दुनियावी महाल, दुनियावी अख्तियार और अपने फकीर नानक के लिए अल्लाह की किताब का इस्तेमाल करने वाले ये इंतजार, मैं तो कहूंगा इस सदी का सबसे बड़ा मुनाफिक, सबसे बड़ा बददार, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा प्रेहान अगर कोई है तो वो कबूतर नवाब, वो हमारे सियासत का मुरीद साहब अली खान है। मिल्लत बन पहले भी कहा था अभी